हेलो भाई, आप देख रहे हो गाड़ी रिव्यू। मैं हूँ आपका भाई छोटू तिवारी। आज हम दिखाने वाले हैं फोर्स गुरखा। तो फोर्स गुरखा का को फ्रंट से कुछ इस तरह का इसका लुक मिलता है। आपको आगे फ्रंट ग्रिल पे गुरखा का बैजिंग मिलता है, ऊपर में आपको इंडिकेटर मिलता है जो जी वैगन से कॉपी है, और LED इसमें सेटअप लाइट मिलता है जो काफ़ी हैवी इसका लाइट है। इस सेगमेंट का काफ़ी हैवी लाइट है। ऐसे तो थार वगैरह में लोग बाहर से लगवाते हैं, इसका कंपनी से ही आपको काफ़ी अच्छा लाइट मिल जाता है LED में, और LED ही आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है। नीचे की तरफ बात करें तो आपको फॉग लैम्प भी मिल जाता है, और कुछ इस तरह से इसका आगे का फ्रंट से गुरखा लिखा हुआ और ग्रिल मिलता है। 205 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो आपको काफ़ी ऑफ रोडिंग कर सकते हैं 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। साइड लुक का बात करें तो आपको कुछ इस तरह का इसका साइड लुक निकल के आता है, और आपको फेंडर पे भी एक इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और FM 26 का बैजिंग मिल जाता है, और एक 4x4x4 मिलता है। यदि फ्यूल टैंक कैपेसिटी का बात करें तो इसमें 63 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलता है। रियर लुक का बात करें तो कुछ रियर इस तरह से इसका लुक निकल के आता है, और ये लेडर जो आप देख रहे हो एसेसरी पार्ट है, कंपनी फिटेड नहीं आता है। और इसमें आपको 4 रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, वाइपर, डिफॉगर, ऊपर में आपको हैचटेक स्टॉप लैम्प मिलता है, और इसमें आपको टो हुक भी मिल जाता है, और स्टेपनी टायर भी इसका डोर में ही आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप महिंद्रा थार में भी आप डोर में ही देखने को मिलता है, उसी तरह इसमें भी आपको डोर में ही मिलता है। और कुछ इस तरह से इसका साइड से लुक निकलता है, और इसमें 3-4 चीज़ जो है एसेसरी पार्ट लगा हुआ है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि आप इसका एलॉय व्हील देख सकते हैं, ये एसेसरी पार्ट है, कंपनी फिटेड नहीं आता। कंपनी फिटेड इसमें स्टील रिम आता है, ये एलॉय व्हील एसेसरी का है। इसका विंडशील्ड का जो गार्ड है वो भी आपको एसेसरी पार्ट मिलता है। ऊपर में आप रूफ रेल जो बोला जाता है, जिसमें आप सामान कैरी कर सकते हो, वो एसेसरी पार्ट है। जैसा हमने पीछे दिखाया कि पीछे इसका जो लेडर है, लेडर भी आपको एसेसरी का पार्ट मिलता है। बात आती है अंदर जाने का, तो अंदर जाने से पहले इसका हम की देखते हैं। तो आपको फोर्स गुरखा का कुछ इस तरह का की मिलता है, लॉक, अनलॉक, या आप लाइट जला सकते हैं। ऐसे करने के बाद इसका सभी जगह का इंडिकेटर जलने लगता है, कुछ इस तरह से इसका LED इंडिकेटर जलता है। कुछ इस तरह से इसका डोर आता है। सीट का बात करें तो आपको मैनुअल एडजस्टेबल लेदर फिनिश सीट मिल जाता है। आपको कुछ इस तरह से इसका की लगाने का मिलता है, आपको इसमें फुट रैप भी मिल जाता है, और ये काफ़ी हैवी फील होता है, तो आपको यहाँ पकड़ के चढ़ने के लिए मिलता है। और स्टेयरिंग का बात करें तो आपको कुछ नॉर्मल इसका स्टेयरिंग मिलता है। आपको स्टेयरिंग टील एंड टेलीस्कोप दोनों मिल जाता है कुछ इस तरह से, और आपको इसमें TPMS मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। को यहाँ से आप अपना व्हील का प्रेशर देख सकते हैं, आपके टायर में कितना हवा है। और इस तरह से आपको ग्लस्टर मिलता है, इधर साइड में स्पीडोमीटर मिलता है, इस साइड में आपको टेकोमीटर मिल जाता है, बीच में आपको मल्टीमीटर भी मिलता है, इवेंट मिल जाता है। और इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम कैनोड का आता है, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले सपोर्टिंग, और ये सारे 7.5 इंच का है। नीचे की तरफ आपको बात करें तो यहाँ पे आपको AC कंट्रोल मिल जाता है, उसके नीचे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको 2 USB पोर्ट मिल जाता है। कुछ इस तरह इसका गियर नॉब मिलता है, और ये आपको 4x4 हाई लो एंड 2x का 2 कप होल्डर आपको साथ में मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। मैनुअली हैंड ब्रेक आपको मिलता है, और यहाँ पे आपको पावर विंडोज मिल जाता है, और ये साइड में भी आपको यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है साथ में। कुछ इस तरह से इसका मीटर मिल, कुछ इस तरह से आपको बीच में मल्टीमीटर मिलता है। मल्टीमीटर में आपको इकोनॉमी फ्यूल दिखाएगा, ऊपर में आपको पार्किंग लाइट हो गया फ्यूल का, और डोर का, इधर सीट बेल्ट का हो गया। आपको कुछ इस तरह से इसका मीटर दिखता है। मीटर का बात करें तो आपको डे नाइट मिल जाता है इसमें, और सन वाइजर का बात करें तो आपको सन वाइजर में कोई लुकिंग ग्लास देखने को नहीं मिलता है। पैसेंजर साइड बात करें तो पैसेंजर साइड भी आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। ऊपर में आपको एक लाइट मिल जाता है जो कि हैलोजन ही है, और कुछ इस तरह से इसका इंटीरियर देखने को मिलता है।
अब बारी आती है सेकेंड रो में जाने के लिए। तो सेकेंड रो में जाने के लिए ये थार के जैसा आगे के सीट फोल्ड करके नहीं जाया जाता है, इसमें रियर डोर से आप सेकेंड रो के सीट पे जा सकते हैं। और सेकेंड रो का जो सीट है वो कैप्टन सीट इसमें है, तो चलिए चलते हैं। और सेकेंड रो का सीट भी आपको लेदर फिनिश मिल जाता है और काफ़ी अच्छा सीट है और काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसमें भी आपको आर्म रेस्ट देखने को मिल जाता है। और एक सबसे बहुत बड़ी बात इसमें खूबी है, जो इसका ग्लास है वो बहुत बड़ा मिलता है। आप पीछे के सीट पे कभी ये फील नहीं कर सकते हो कि हम पीछे बैठे हुए हैं। इसमें आप पूरा आपको लुक दिखता है, बाहर के पूरा व्यू आता है इसका सेकेंड रो के सीट से भी। और इसमें बात करें तो आपको यहाँ पे USB पोर्ट नहीं मिलता है और यहाँ पे आपको एक सीट बेल्ट देखने को मिल जाता है। और यदि आपका फ़ोन चार्ज करना हो तो यहाँ पे आपको दो USB पोर्ट मिल जाता है, यहाँ से आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो आराम से। रियर साइड डोर का बात करें तो रियर साइड डोर पे आपको कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है और ये वाशर के लिए पानी डालने का जुगाड़ मिलता है। आप यहाँ से इसका में वाशर के लिए पानी डाल सकते हैं। कुछ आपको इस तरह से इसका मिलता है। और चलिए कुछ इस तरह से इसका हैवी फील होता है और इसका आगे से एकदम साफ साफ पूरा बोनट दिखता है, क्योंकि ये ऑफ रोडर है यहीं भाई। और इसमें आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, डुअल ग्लव बॉक्स मिलता है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है और नीचे में भी आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है। साथ में यहाँ पे भी आप कुछ क्वाइंस वगैरह रख सकते हैं। और गेट पे आपको भी थोड़ा स्पेस मिलता है। इसमें आप बोतल होल्डर नहीं मिलता है आपको, बोतल होल्डर यहाँ पे दो मिलता है। स्पेस भाई फुट रैप के बाद भी आपको चढ़ने में हैवी फील होता है कि नहीं आप कुछ स्पेस चढ़ रहे हो। और यहाँ पे आपको गुरखा का बैजिंग मिल जाता है। और ये मैनुअल में आता है तो इसमें भी आपको डेट पैनल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको गुरखा का बैजिंग मिल जाता है साथ में। और इसका स्टेयरिंग से फील होता है कि नहीं आप फोर्स का कोई ट्रेवलर पे बैठे हुए हैं। इसका स्टेयरिंग थोड़ा और प्रीमियम हो सकता था, बट जो भी है वो है एकदम हैवी हैवी फील होता है। और इसमें एक कंपनी फिटेड अलॉय व्हील नहीं आता है, कंपनी फिटेड स्टील रिम आता है, जिसका टायर साइज 245/70 R16 इंच का आता है। और ये एसेसरी में आप अलॉय व्हील इसका लगवा सकते हैं। इसका इंजन का बात करें तो आपको FM 2.6 लीटर का इंजन मिलता है। और इसमें आपको 4 स्पीकर मिल जाता है। एयरबैग का बात करें तो इसमें आपको 2 एयरबैग मिलता है, EBD मिलता है, TPMS मिलता है और ABS मिलता है। इसमें आपको 2.6 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो 89 BHP प्रोड्यूस करता है और 250 NM का टॉर्क निकालता है। और ऊपर की तरफ आपको इसमें इंसुलेशन देखने को मिल जाता है। और इसका बोनट जो है वो आपको काफ़ी हैवी फील होता है। फोर्स वालों ने इसका इंजन का नाम रखा है FM26 CRD BS6 इंजन इसमें आता है। की तरफ इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। का बात करें तो आपको 4116 mm का लेंथ मिल जाता है। विड्थ का बात करें तो 1812 mm का विड्थ मिलता है। और हाइट का बात करें तो 2075 mm का हाइट मिल जाता है। व्हील बेस का बात करें तो आपको 2400 mm का व्हील बेस मिलता है। और इसका एग्जॉस्ट आपको ऊपर की तरफ मिलता है। पानी में भी ले, कंपनी बोलता है कि इसको आप पानी में भी ले जा सकते हैं, तो एग्जॉस्ट में पानी नहीं जाएगा तो आप पानी में भी ज़्यादा देर इसका रिलायबल कर सकते हो। और काफ़ी मस्कुलर लुक निकाल के देता है। इसका इंजन साउंड का बात करें तो कुछ आपको इस तरह का इसका इंजन साउंड मिलता है। और अंदर बैठने के बाद इसको आपको फील नहीं होता है कि आपको 2.6 लीटर का इंजन चला रहे हैं और ज़्यादा नॉइस होगा, कुछ इसमें नॉइस ज़्यादा है नहीं। इसका प्राइस का बात करें तो आपको एक शोरूम प्राइस 14,50,000 रुपये पड़ते हैं। ऑन रोड प्राइस का बात करें तो हम अभी खड़े हैं इस पी ऑटोमोटिव जो नियर ऑफ बुद्धा पटना जंक्शन फ्रंट ऑफ बुद्धा स्मृति पार्क के पास है। तो यहाँ पे आपको ऑन रोड प्राइस 17,65,000 रुपये पड़ते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगे और गाड़ी अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।